जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। डॉक्टर बिटिया 3 घंटे तक पानी के लिए तरसती रही, लेकिन संजय रॉय ने उसे पानी नहीं पिलाया। बिटिया रानी का गला सूखता रहा, पैर ठंडा पड़ता रहा, शरीर अकड़ता रहा, लेकिन संजय रॉय ने उसकी एक न सुनी। पैर टूटने के बाद बिटिया रानी दर्द से चिल्ला रहे थे और संजय रॉय हंस रहा था। ये सभी वारदात रिकॉर्ड हो चुका है एक मोबाइल के अंदर। प्रिंसिपल संदीप घोष के पास से एक ऐसा मोबाइल मिला है जिसमें ये सारी वारदात पहले से ही रिकॉर्ड थी और ये मोबाइल अभी तक CBI से छुपाया गया था। यही नहीं, प्रिंसिपल के मोबाइल के अंदर से जो वीडियो मिला है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि संजय राय के अलावा कौन ऐसा बंदा था जिसने डॉक्टर बिटिया की आँख को फोड़ दिया था, उसके अंदर शीशा घुसा दिया था, साथ ही साथ पैर तोड़ने वाला भी संजय राय इस वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों छुपाया गया यह वीडियो? क्या बिटिया रानी का वीडियो कहीं बेचने के लिए बनाया गया था या फिर उसके परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था? इन सभी चीज़ों की जानकारी संदीप घोष मतलब कि प्रिंसिपल ने दे दी है। पहले तो संदीप घोष अपने बयानों पर टिका था, लेकिन जब 6-7 बार CBI ने उसे तोड़ा तो आखिरकार प्रिंसिपल संदीप घोष ने पूरी सच्चाई बता दी। और ये सच्चाई सुनने के बाद अब आरोपियों की संख्या बढ़कर 7 बताई जा रही है। पहले डॉक्टर बिटिया के आरोपियों की संख्या 1 थी, फिर 2 हुई, फिर सीधे 5 हुई और अब 7 बताई जा रही है। न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब प्रिंसिपल संदीप घोष को जो पूछताछ के लिए बुलाया जाता था अब उनके गिरफ्तारी की भी तैयारी शुरू कर दी है। जरा सोचिए, एक केस को दबाने के लिए हॉस्पिटल ने करोड़ों रुपए खर्च किए, एक केस को दबाने के लिए प्रिंसिपल ने वीडियो तक बना लिया और एक केस को दबाने के लिए जब प्रिंसिपल का कॉल डिटेल निकला तो संजय रॉय और प्रिंसिपल घोष के बीच की बातें सुनकर CBI भी दंग रह गई। तो बताएंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा क्या है, दिखाएंगे हम आपको वो वीडियो जो प्रिंसिपल के फोन से मिला है, साथ ही साथ संजय रॉय की वो हरकत भी दिखाएंगे जब वो बिटिया रानी का पैर तोड़ रहा था। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP डॉक्टर बिटिया लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो दरअसल बता दें कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का इतिहास तो बहुत ही गंदा और पुराना है। दशकों पहले से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के साथ घिनौना काम होता रहा है, ब्लू फिल्म बनाई जाती रही है, उसे बेचा जाता रहा है, यहाँ तक कि मृत शरीर के साथ भी घिनौना काम करके उसका वीडियो मार्केट में उतारा जाता रहा है। तो आखिर प्रिंसिपल इन सभी चीज़ों से अछूता कैसे रह सकता है? जरा आप सोचिए, जब किसी के घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करता था तब उस जमाने में आजकल मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लाइटिंग मिली थी। ये वो लाइटिंग होती है जो मूवियों की शूटिंग में काम आती है। तो आखिर कैसे आजकल मेडिकल कॉलेज इतना इनोसेंट बन सकता है और पूरे के पूरे आजकल मेडिकल कॉलेज को चलाने वाला प्रिंसिपल संदीप घोष आखिर कैसे बेगुनाह हो सकता है? ये बात तो खुद CBI को भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर डॉक्टर बिटिया के साथ जो घिनौना काम हुआ वो एक इंसान कैसे कर सकता है। आखिर क्यों संजय रॉय पकड़े जाने के तुरंत बाद अपनी बेगुनाही नहीं बताता बल्कि बोलता है कि मैं ही गुनहगार हूँ, मुझे सजा दी जाए। ये सब तब खुल पाया जब संदीप घोष का मतलब कि प्रिंसिपल का दूसरा फोन मिला। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल को अभी तक CBI ने 8 बार पूछताछ के लिए बुलाया था और 8 बार प्रिंसिपल संदीप घोष अपने बयानों पर टिका रहा। वो टस से मस नहीं हो रहा था, एक ही घिसी पिटी बयान को दे रहा था। तब CBI को लगा कि प्रिंसिपल को तोड़ने से पहले संदीप रॉय से कुछ ऐसी जानकारी निकालनी पड़ेगी जो प्रिंसिपल को कमज़ोर कर दे। CBI ने सबसे पहले संदीप घोष से पूछने से पहले संजय रॉय को बुलाया और उससे एक ऐसी जानकारी निकलवा ली जिसने प्रिंसिपल संदीप घोष का पूरा काला चिट्टा खोल कर रख दिया। दरअसल इसी संजय रॉय ने बताया कि प्रिंसिपल के पास एक नहीं बल्कि 2 फोन हैं।
जब प्रिंसिपल से पूछा गया था तो प्रिंसिपल ने सीबीआई को बताया था कि मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है और मैं इसी एक फ़ोन को यूज करता हूँ। लेकिन आपको तो पता है आज के ज़माने में जिसके पास थोड़ा भी पैसा होता है वो एक फ़ोन कहाँ रखता है, वो दो फ़ोन तीन फ़ोन तो आराम से रखता है। ऐसा ही कुछ प्रिंसिपल के भी साथ हुआ था। जब आरोपी संजय राय ने प्रिंसिपल की ये पोल खोल दी कि उसके पास दो फ़ोन है और दूसरा फ़ोन उसके ऑफिस के ड्रॉ के नीचे मौजूद फाइलों के बीच वो रखता है, तब सीबीआई ने उसके ऑफिस में छापा मारा और वो दूसरा फ़ोन रिकवर कर लिया। प्रिंसिपल संदीप घोष बोलता रहा कि नहीं, ये फ़ोन मेरा नहीं है, ये फ़ोन मैं नहीं चलाता हूँ। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि ये प्रिंसिपल का ही फ़ोन है और उस फ़ोन में इतने घिनौने वीडियो मौजूद है जिसको देखने की हिम्मत खुद सीबीआई की टीम को नहीं हो रहा था। आजकल मेडिकल कॉलेज में बने इतने घिनौने वीडियो के कारण सीबीआई खुद परेशान थी कि आखिर इन वीडियो को देखकर हमें कौन बताएगा कि इसमें कौन क्या कर रहा है। लेकिन तभी सीबीआई की टीम के अंदर एक कड़े दिल वाला इंसान निकलता है और वो उन 200 के 200 वीडियो को रात भर दिन भर लगा करके देखता है और पूरी डिटेलिंग में लिखता है। इसके बाद पता चलता है कि दरअसल उस दिन डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ था वो बहुत दर्दनाक था। इतना दर्दनाक था कि जो टीम वीडियो देख रहा था वह रोने लगा था। बता दें कि संजय राय ने जब बिटिया रानी का पैर तोड़ा था तो एक बार में पैर नहीं टूटा था, 8 बार प्रयास करने के बाद बिटिया रानी का पैर तोड़ा गया था। संदीप राय की इस घिनौनी हरकत की वजह से उसे फांसी से कम सज़ा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे फांसी से भी बढ़कर कोई सज़ा हो। अगर आपके मन में कोई ऐसी सज़ा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि उस मोबाइल के अंदर से डॉक्टर बिटिया का एक और वीडियो निकला जिसमें वो रो रही थी, उसका गला सूखा हुआ था और एक इंसान उसके चेहरे पर एक लात मारता है जिसकी वजह से उसका चश्मा टूट उसकी आंखों में धंस जाता है और बिटिया रानी खून के आंसू रोने लगती हैं। आखिर इन दरिंदों को इतने दिन तक ट्रायल कराने की क्या ज़रूरत है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलना चाहिए और जल्द से जल्द इन हैवानों को सज़ा मिलकर इन्हें पूरी दुनिया से मिटा देना चाहिए। आखिर बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद जब प्रिंसिपल संदीप घोष की कॉल डिटेल निकाली गई तो उसके बाद तो सीबीआई के हाथ पांव फूल गए। दरअसल प्रिंसिपल संदीप घोष तो बड़े बड़े नेताओं और पुलिस के बड़े अफसर से लगातार टच में था। जब ये केस शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक जब तक सीबीआई बुला रही थी तब तक संदीप घोष अपने दूसरे फ़ोन के माध्यम से बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े नेताओं के साथ टच में था। अब सीबीआई उन सभी नेताओं के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है क्योंकि इन नेताओं को गिरफ्तार करने से पहले केंद्र की इजाज़त लेनी पड़ेगी और कुछ नेता जो केंद्र के होंगे उनको गिरफ्तार करने से पहले लोकसभा स्पीकर का अनुमति चाहिए और इसके बाद जो नेता राज्य विधानसभा में हैं उनको गिरफ्तार करने से पहले ममता बनर्जी के यहाँ पर जो स्पीकर हैं उनका आदेश बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही ये गिरफ्तार हो पाएंगे। इसलिए सीबीआई ने अभी तक किसी नेता की गिरफ्तारी तो नहीं की है लेकिन रोज़ नए नई गिरफ्तारी तो हो रही है। अब बताया जा रहा है कि 3 नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन उन नेताओं को गिरफ्तार करने से पहले सीबीआई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि प्रिंसिपल का दूसरा फ़ोन खुद में एक पुख्ता सबूत है क्योंकि इस फ़ोन में न सिर्फ वीडियो बल्कि कुछ ऐसे कॉल डिटेल्स भी मिले हैं जिसमें करोड़ों रुपए की बात भी की गई है। मतलब साफ है कि आजकल मेडिकल कॉलेज का इतिहास जितना गंदा है उतना ही घिनौना भी है। संदीप घोष के मोबाइल में मिले वीडियो से यह पता चलता है कि संदीप घोष न सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के टच में था बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर के भी टच में था। अब एक प्रश्न निकल कर सामने आता है कि क्या आजकल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल इन सभी नेताओं या बड़े अफसरों को किसी चीज़ की सप्लाई करता था? अगर सप्लाई करता था तो वो क्या चीज़ थी, अभी इसकी पूछताछ प्रिंसिपल से चल रही है। प्रिंसिपल की उम्र का लिहाज देखते हुए सीबीआई ने अभी तक उस पर 3rd degree अप्लाई नहीं किया है लेकिन वह बहुत ही जल्द अदालत में इस बात को
बोलेगा। सीबीआई इस बात की मांग करेगी कि हमें प्रिंसिपल की भी पॉलीग्राफ टेस्ट करने का मौका मिले। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट। इस टेस्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल संदीप घोष ने किसी भी प्रकार के पॉलीग्राफ टेस्ट देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि मैं किसी भी प्रकार का पॉलीग्राफ टेस्ट दे ही नहीं सकता। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बिटिया रानी के कांड में संजय राय जितना आरोपी है उतना ही आरोपी आजकल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। इसीलिए सीबीआई प्रिंसिपल के ऊपर बिल्कुल मुरव्वत नहीं कर रही है, क्योंकि प्रिंसिपल के बिना किसी भी परिसर में किसी प्रकार का पत्ता हिल जाए ये मुमकिन नहीं। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल की ही आदेश की वजह से संजय राय पूरे के पूरे आजकल मेडिकल कॉलेज में खुला घूमता था। वो किसी भी वार्ड में चला जाए, वो कभी किचन में चला जाए या ऑपरेशन थिएटर में चला जाए या फिर किसी भी डॉक्टर के प्राइवेट केबिन में चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस संजय राय को कोई बोल दे। आप खुद सोचिए, इतने गरीब घर से आया संजय राय जो अभी भी गरीब था, ऊपर से इसको कोई बड़ा पद भी नहीं मिला था, पुलिस में ये नॉर्मल सा वॉलेंटियर था और बहुत ही सामान्य सा इंसान था। इसके बाद प्रिंसिपल ने इसे इतनी ज़्यादा ताकत क्यों दे रखी थी कि पूरे के पूरे आजकल मेडिकल कॉलेज में घूम सकता था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि प्रिंसिपल ने इसे इतनी ताकत इसलिए दे रखी थी क्योंकि संजय राय ही प्रिंसिपल के लिए बहुत सारे घिनौने काम करने के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। बताया जा रहा है कि आजकल मेडिकल कॉलेज में जो पूरा वीडियो बनता था, जो पूरे फिल्म शूट होती थी, उन सभी का जिम्मा संजय राय के ऊपर होता था। लड़कियों को लाना, ले जाना और साथ ही साथ किसका व्यवस्था करना है, किसे फंसाना है, किसे धमकी देना है और किसे ब्लैकमेल करना है, ये सारा काम संजय राय अकेले देखता था। इसलिए पूरे के पूरे आजकल मेडिकल कॉलेज के लिए संजय राय न सिर्फ एक वार्ड बॉय था बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी था। और आखिरकार इसी पर्सनालिटी ने अंत में सबका जिम्मा अपने सर ले लिया और सबको बेगुनाह साबित करा दिया था। भला हो सीबीआई का जिसने इस पूरे केस की बाल की खाल निकाल दी और प्रिंसिपल को भी आखिरकार उठा ही लिया।